अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज हम बना रहे हैं बिरयानी, आसान तरीके से और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। अगर आप ऐसी मेरी और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पहले हम लेंगे 2 कप चावल और 1/2 किलो गोश्त। 2 कप पानी चावलों में डालकर भिगोने के लिए रख दें 15 से 20 मिनट तक के लिए। 3 टमाटर काट लें, 3 प्याज लें और काट कर फ्राई कर लें। गोश्त में 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का मिलाएंगे और 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला मिलाएंगे। गोश्त में टमाटर और प्याज मिलाएंगे। एक कप दही डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गोश्त में 1/2 कप तेल मिलाएंगे। गोश्त को कुकर या पतीली में पकने के लिए रख देंगे। कुकर में गोश्त गलने में 1/2 घंटा लगेगा और पतीली में 1/4 घंटा, जिसमें 1 गिलास पानी भी डलेगा। 1.5 लीटर पानी में 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची और 4 छोटी इलायची डाल दें और 1 टेबलस्पून नमक और चावल पकने के लिए रख दें। 70% चावल पक जाए तो निकाल लें। अब गोश्त में 6 आलू बुखारे डालेंगे। और 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर डालेंगे। अब डालेंगे 1 कटा हुआ लीमू, 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना। अब डालेंगे प्याज और 1 टीस्पून बिरयानी मसाला। अब गोश्त में चावलों की तह लगाएंगे। अब आखिर में डालेंगे पुदीना, हरा धनिया और तली हुई प्याज और 1 टीस्पून केवड़ा वाटर और 1 टीस्पून फूड कलर। बिरयानी को 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख दें और मजेदार बिरयानी तैयार है। बिरयानी को सर्व करें रायते और खीरे के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें। और आगे आप कौन सी रेसिपी मेरी देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह लौट के आऊंगी एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ करते रहें। अल्लाह हाफिज़।